देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टील टाउन 100 बेड वैक्सीनेटर वैक्सीनेशन सेंटर पर। जो है यहाँ पे सुबह से जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, जबकि इंतज़ामिया जो है स्टाफ की कमी की वजह से सुबह से जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं। आइए, यहाँ पर जो मौजूद अफराद हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर के लिए, वैक्सीन के लिए आए, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका क्या कहना है। कोई 7 बजे आए, कोई 8 बजे आए, रात को 8:30 बजे तक हम यहाँ खड़े रहे, वैक्सीन नहीं लगाए, वापस चले गए। आज भी सुबह लोग फजर की नमाज़ पढ़ के आए, कोई 7 बजे, कोई 6 बजे, मैं खुद 7 बजे आया हूँ। अब 7 बजे के अंदर लगा मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अब वो उन लोगों ने खाना शुरू कर दिया, वो दुनिया बाहर खड़ी है, किसी ने पानी पिया, किसी ने रोटी खाया, सब के सब ऐसे खड़े हुए। बीच में रेंजेस आई थी तो सिस्टम अच्छा खासा चल रहा था, रेंजेस चली गई, फिर हमारी दरवाजे बंद कर दिया। यहाँ पर 6 बजे आए तो हमसे पहले भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। इससे ये पता चला कि लोगों ने रात भी यहीं पर गुजारी है, और उसके बाद सुबह 6 बजे वाले अभी हम तकरीबन 2:30-3 बजे भी ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर। सवेरे कुछ देर के लिए, मेरा ख्याल 1.5 घंटे के लिए रेंजर्स आई थी, उन्होंने यहाँ पर लाइन वगैरह लगाई थी, लोगों की कुछ स्पेस दिया था उनको, लेकिन उसके बाद वो भी चले गए। और मुझे खदशा है कहीं ला एंड ऑर्डर की सिचुएशन न क्रिएट हो जाए, लोग बहुत पैनिक में हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर शायद स्टाफ की कमी है, 4 बंदों को अंदर छोड़ रहे हैं, 1 घंटा तकरीबन 1.5 घंटा 4 बंदों को लग रहा है। कोई इंतजाम नहीं है यहाँ, जितने भी लोग खड़े हुए हैं गालिबा कई मरतबा जो है आगे पीछे से आगे आगे से पीछे ये सिलसिला चल रहा है। तो जितने भी ज़यीफ उम्र लोग हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, जो मैं खुद ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। सुबह 7 बजे से अभी उनके अभी ये टाइम हो गया, दरमियान में उन्होंने कहा हमारा लंच का टाइम हो गया, कुछ देर के लिए रेंजर भी आए, रेंजर तकरीबन 1 घंटा यहाँ खड़े रहे, उसके बाद डिसिप्लिन कुछ तरतीब से अब बन गया था। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि उसके जैसी रेंजर गई उसके बाद फिर वही हड़ा उड़ी वाली बात है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद अफराद की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि वो सुबह से जो है फजर के टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं, कई अफराद जो हैं रात से यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब तक उनका जो है नंबर नहीं आया है। अंदर जो है स्टाफ की कमी के बायस जो है तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और काफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं वो बेहोश भी हो चुके हैं, उनकी तबीयत भी नासाज हो चुकी है। इस सारी सूरतहाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध अगर वैक्सीनेशन करवाना चाहती है तो मौसर इकदाम किए जाएँ ताकि लोग वैक्सीनेशन करवा सकें। सैयद सज्जाद अली, जिद्दत.com, कराची।